हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, वो भी कुकर में बनाने के लिए। जी हाँ, बहुत से लोगों को बिरयानी खाना तो बहुत पसंद है लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है। तो आज उनका मैं जो टेंशन है ना और जो उनकी मेहनत है उनको कम करने के लिए आई हूँ। इसके लिए बहुत आसान सी रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने घर पे बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी वाला अमेजिंग सा टेस्ट चाहते हैं और वो भी एकदम झटपट बन कर के तैयार हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये देखिए, मैंने लिया है 2 kg चिकन, इसे धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 कप चावल भी लिया है, उसे भी पानी से धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे आप लीजिए एक कुकर, कुकर में सारे चिकन को डाल दीजिए और एक बराबर एक लेवल में कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे दही। तो दही यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। बिरयानी में दही डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो दही डालने के बाद अब यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ, उसे लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है आप लोगों के लिए, आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर करके धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया का टेस्ट आना बिरयानी में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देता है। धनिया पाउडर डालने के बाद फिर वही हम अपने घर के जो नॉर्मल मसाले होते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, इन सभी मसालों को आप अपने जितना आप चिकन ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको मसाले को इसमें डालना है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो एकदम खास जो इसमें मसाला होता है वो होता है चिकन मसाला या तो फिर बिरयानी मसाला। एवरेस्ट का बिरयानी मसाला आता है, वो ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें चिकन का मसाला ही डालूंगी क्योंकि मैं बताऊँ पर्सनली तो मुझे ये बहुत पसंद है। इसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे हम नमक। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने नमक लिया है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बिरयानी में जो डलती है वो है घी। तो घी मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम लीजिए, लेकिन डालिए ज़रूर घी। अब इसके बाद क्योंकि दम लगाना है, क्योंकि चावल भी हमारा कच्चा है और चिकन भी कच्चा है, सबको एक साथ बना रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर हम लेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर 2 कप चावल था तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है। पानी डालने के बाद अब इसको अच्छे से पहले हमको मिक्स कर लेना है। ध्यान होगा अभी आप लोगों को, अभी तक मैंने इसमें कोई भी तेल वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ घी डाला है 2 चम्मच, वो भी मतलब छोटे चम्मच से ही डाला है। तो अब ये देखिए, सबको डाल करके पहले अच्छे से मिक्स किया। आप सबको एक लेवल पे करने के बाद जो चावल धो करके रखा था ना, वो सारे चावलों को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से डालूंगी क्योंकि कुकर में डाल रही हूँ ना, तो कई बार क्या होता है जो चावल में डालती हूँ ना तो गिर जाते हैं इधर उधर। अभी भी वीडियो में दिख रहा होगा ना, तो थोड़े बहुत चावल नीचे गिर गए हैं, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब चावल डालने के बाद इसको एक लेवल कर लेना है क्योंकि बाद में फिर हमको करने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए पहले ही कर लीजिए। इसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा दूध में मैंने केसर डाल करके इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लिया था और फिर इसको ऊपर से डाल दिया। ये सिर्फ अट्रैक्टिव दिखाने के लिए है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। सबको डालने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा मैंने फ्राई करके प्याज को रखा था, इसे ऊपर से डाला है और इसका जो थोड़ा सा ऑयल बच गया था ना, इस ऑयल को भी मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी। तो ये जो फ्राई करके ऑनियन हम डालते हैं ना, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और ख़ास करके मुझे वीडियो में दिखाना है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना तो बनता है ना। अब ये देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खड़े मसाले ऊपर से क्यों डाल रही हूँ, पहले डाल देती, पर आप एक बार बना के तो देखिए इस तरीके से, आपको खुद समझ आएगा कि ऊपर से मसाले क्यों डाले हैं मैंने। तो थोड़े से ये देखिए, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, फिर आपका शाही जीरा और क्या डाला है, दालचीनी डाली है और ये कबाब चिली होता है ना, वो कबाब चिली क्या होता है जो नहीं जानते हैं, तो जो गोल मिर्च होती है उसमें जो पूंछ निकली होती है ना, उसे कबाब चिली कहते हैं। इन सबको डालने के बाद ढक्कन लगाइए और ये देखिए इस तरीके से बढ़िया सी एक हाई फ्लेम पर सीटी लगाने दीजिए। ध्यान रखिएगा चावल भी एक सीटी पर पक जाएगा और क्योंकि ब्रॉयलर चिकन है तो वो भी पक जाएगा, तो सिर्फ हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना चावल और चिकन दोनों गीला हो जाएगा, वरना पूरा बेकार हो जाएगा। सिर्फ एक सीटी लगाइए, उसके बाद ये देखिए जब अपने आप सारा एयर निकल जाए ना, तो फिर कुकर का ढक्कन हटाइए। देखिए ऊपर से भी देखने से कितना टैम्पटिंग दिख रहा है ना, और खाने में तो वाकई सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मैंने खाया, उसके बाद आप लोगों को ये रिव्यू दे रही हूँ। वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले खा लिया है उसके बाद फिर। अभी देखिए आपको सामने निकाल करके दिखा रही हूँ कितना, मतलब जो चावल है कितना खिला खिला बना है, पक भी गया है बहुत आराम से और बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।